नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू बनाने की। मकर संक्रांति आने वाली है तो घर घर में लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं। आज मैं जो लड्डू की रेसिपी लाई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसको बनाने में ना तो हम घी का यूज़ करेंगे, ना ही हम चाशनी का यूज़ करेंगे, चीनी का भी यूज़ हम नहीं करेंगे। सिर्फ तीन चीज़ों से ये लड्डू बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं लड्डू की रेसिपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जिनसे हम लड्डू तैयार करेंगे। तो इसमें हमने लिया है एक कप कच्चा मूंगफली दाना लिया है, एक कप ही हमने तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले तिल लिए हैं और ये पूरी तरह से साफ़ है। एक कप ही हमने गुड़ लिया है, हमने मूंगफली के बराबर ये गुड़ लिया है। जितना हमने वेट से मूंगफली दाना लिया है उतना ही हमने ये गुड़ लिया है और गुड़ को हमने इस तरह से छोटे पीसेस में पहले से ही तोड़ के तैयार कर लिया है। अब गैस पर रख दिया है हमने पैन, पैन में डाल देंगे हम मूंगफली दाना और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मूंगफली दाने को हल्का सा भून लेते हैं, जिससे कि इनका छिलका भी आसानी से निकल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए मूंगफली दानों को हमने हल्का सा भून लिया है, मूंगफली दाने चटकने भी लगे हैं और आप देख सकते हैं कि जो हल्का सा इनका कलर है वो भी चेंज होने लगा है। और इस तरह से हम एक मूंगफली दाना लेके देखेंगे, हाथ से रगड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका छिलका आसानी से निकल रहा है। तो बस हमें मूंगफली दानों को इतना ही भूनना है। इन मूंगफली दानों को हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, गैस की फ्लेम को हम तब तक लो कर लेंगे। सेम पैन हमने दोबारा से ले लिया है, गैस की फ्लेम हमने ऑफ नहीं की थी, लो कर रखी है। पैन अभी गर्म है तो इसी पैन में अब हम डाल देंगे तिल और तिल को हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है, ज़्यादा इनका कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी इनकी नमी निकालनी है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट हम इन तिल को चलाते हुए बराबर से भून लेते हैं। तो तिल भी हमने भून लिए हैं, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इन तिलों को भी हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। मूंगफली दानों को हमने एक किचन टॉवल पर फैला लिया है, तो जैसे ही ये दाने हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से रगड़ते हुए हम इनका छिलका निकालेंगे, जिससे कि छिलका इनका जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि छिलका आसानी से निकलने लगा है। तो इसी तरह से रगड़ते हुए हम इनका छिलका निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली के दाने जो हैं हमने छिलका निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने ले लिया है एक मिक्सी जार, इन दानों को हम डाल देंगे मिक्सी जार में और इनको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली को हमने इस तरह से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। हम स्पून से नीचे से चला के चेक कर लेंगे, अगर कोई बड़ा पीस होगा तो हम इसको कुछ सेकेंड और चला लेंगे, लेकिन ये देखिए अच्छे से ये पिस गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये गुड़ लिया था इसमें से हम आधा गुड़ अभी डाल देते हैं इसके साथ में, आधा हमने बचा लिया है। तो गुड़ डाल के भी हम इसको कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे, जिससे कि जो गुड़ है वो मूंगफली में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमने गुड़ डाल के भी इसको पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। हम अभी इसको इस तरह से बाइंड करके देखेंगे तो अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, क्योंकि मूंगफली में अपना ही ऑयल होता है। ये देखिए, तो इसको हम एक चौड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम जार हमने दोबारा से ले लिया है जिसमें हमने मूंगफली पीसी थी, तो जो तिल हमने भुने थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो इसी जार में अब हम डाल देंगे तिल और तिल को भी हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए तिल भी हमने पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पीस के तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये आधा गुड़ बचा लिया था इसको हम तिल के साथ में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अब हम इनको कुछ सेकंड के लिए मिक्सी में चला लेते हैं। तो ये देखिए हमने गुड़ जो है
तिलों के साथ डाल के कुछ सेकंड के लिए चला लिया था, तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है अच्छे से मिक्स हो गया है तिल के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमने मूंगफली दाना और गुड़ निकाला था उसी में हम ये तिल वाला मिक्सचर भी निकाल लेते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हम उसमें घी और ऑयल कुछ नहीं डालेंगे लड्डू बनाते समय। मूंगफली में और तिल में अपना ही ऑयल होता है, तो ये लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। देखने से ही पता पड़ रहा है कि इसके लड्डू आसानी से बन जाएंगे, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बना है। तो इसको हम प्लेट में रख लेते हैं, एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे, फिर दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से दबाते हुए हम इसको लड्डू का आकार देंगे। लड्डू का जो साइज़ है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे सिर्फ 3 चीज़ों से ये लड्डू बन के तैयार हैं। इनको बनाने में ना तो हमने चाशनी का यूज़ किया है, ना चीनी का यूज़ किया है, ना ही हमने घी का यूज़ किया है। सिर्फ 3 चीज़ों से जो कि आपके घर में अवेलेबल होती हैं उनसे लड्डू बन जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हड्डियों को मजबूत रखते हैं, शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो आप इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।